चेलो। हाँ गुरुजी। साथ वाले गांव में कुछ नाथ आए हुए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तुम सफाई कर लेना और कपड़े धो लेना, और ये भिक्षा वाली झोली अच्छी तरह धो लेना, नहीं तो चूहे खा जाएंगे। ठीक है गुरुजी, आप निश्चिंत होके जाओ। गोरख चेले, तेरे को मंत्र याद करने के लिए दिए थे, क्या हो गई याद? हाँ गुरुजी, वही याद कर रहा हूँ। सुनो, मैं जा रहा हूँ बाहर, अच्छी तरह अभ्यास करते रहना। ये कोई मामूली मंत्र नहीं, सर्जीवन विद्या के मंत्र हैं। मन लगा के याद करूंगा गुरुजी, मन लगा कर। देख लेना, आके सुनूंगा। ठीक है गुरुजी, आकर सुन लेना। चल भाई नाथ, नदी पर कपड़े धो लावा, फिर आके सफाई भी करनी से। अरे एक चलम पी लेन दे गुरु भाई। गुरु के सारे चोले ले लिए, जल्दी चल वार ना करे। यार दो कष्ट मार लेन दे, क्यों मजे का नाश करवाओ से। गुरु जी के आगे का दिकस मिला से, इब तो मन की काट लेन दे मन की। एक कसम मन ने दे यार। अरे तू भी के याद रखेगा, ले डूब ले। खड़ा हो ले, खड़ा हो ले, गुरु जी धो रहे पटवा होगा मन। चल चल भाई, चल 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 चल। अपना काम करने दो। पापा तू तो थाली बैठा है, काम तो करता नहीं। थाली नहीं बैठा बच्चों, मैं मंत्र याद कर रहा हूँ। बाबा मंत्र बाद में याद कर लेना, पहले हमारे खिलौने बना दो, नहीं तो हम शोर मचाएंगे। हाँ, हाँ, शोर मचाएंगे, शोर मचाएंगे। ये तो काम नहीं करने देंगे मुझे, लाओ तो लाओ। हाँ भाई, हाँ भाई, तेरा क्या बनाना है? पापा पहले मेरी गाड़ी बना दो। ठीक है, बाकी चुप बैठो। अच्छी मुसीबत गले में पड़ गई। हाँ भाई बच्चों, गाड़ी ठीक बन रही है ना? लो भाई गाड़ी तैयार हो गई है, दूसरा दो। छोटे बाबा गढ़वाला तो बना दो, गढ़वाले के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? तुम भी यार लाओ दो और मिट्टी, गढ़वाला भी बना दो। ऐसे लगा रहा तो सारा समय खराब हो जाएगा। आते ही गुरुजी मंत्र सुनेंगे, और अगर खिलौने नहीं बनाए तो ये भी नहीं मानेंगे। अगर मंत्र याद नहीं किए तो गुरुजी आते ही गुस्सा होंगे। हे परमेश्वर, मैं अब क्या करूं? हाँ, खिलौने बनाने के साथ साथ मंत्र भी याद कर लेता हूँ, ये काम ठीक रहेगा। छोटे बाबा गढ़वाला थोड़ा बड़ा बना दो। ठीक है भाई, बड़ा बना देता हूँ। भाइयों देखो तो ये क्या बन गया, अब मैं क्या करूं? गुरुजी भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या बन गया? गुरुदेव, गुरुदेव। गोरख बच्चा, हो गए मंत्र याद? हैं? तू
ये क्या मिट्टी का खेल बना रहा है? तेरे को मंत्र याद करने को दिए थे और तू मिट्टी से खेल रहा है। नहीं गुरुजी, मैं मिट्टी से नहीं खेल रहा। तू नहीं खेल रहा? और क्या मैं खेल रहा हूँ? और ये खिलौना हिल कैसे रहा है? पता नहीं गुरुजी, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मिट्टी का खिलौना कैसे हिल रहा है। ये मिट्टी का खिलौना सरजीवन कैसे हो गया? पता नहीं गुरुजी, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। पता नहीं? सरजीवन मंत्रों का जाप किया था ना? हाँ गुरुजी, मैंने सोचा कि दोनों काम एक साथ कर लूं। एक साथ कर लूं? तूने अपनी बुद्धि का इतना प्रयोग भी नहीं किया,
कि मंत्र उच्चारण करते समय कोई वस्तु बनाने का क्या अंजाम होगा। अरे मूर्ख, मैं समझू था कि तू बच्चा नहीं रहा, लेकिन तेरे अंदर उतना ही बचपना है जितना एक साधारण बालक में होता है। तेरे को अभी बड़े जप तप की जरूरत है। तुम ऐसा करो, बद्रीनाथ आश्रम पहुंचकर भगवान शिव का ध्यान धरकर तपस्या करो और शिव जी महाराज को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करो। अभी तुम्हारे को शिव की कृपा की परम आवश्यकता है। उनकी कृपा के बगैर सब विद्याएं अधूरी हैं। समझो, अगर तुम पर भगवान शिव की कृपा होती तो तुम गाड़ीवान बनाते समय संजीवनी विद्या का पाठ याद करने की भूल न करते। चलो अब हमारा यहां रुकना ठीक नहीं, नहीं तो गांव वाले हमारी साधना में विघ्न डालते रहेंगे। चलो। गुरुजी, इस बच्चे का क्या करेंगे? करेंगे क्या, इसे अपने साथ ले चलेंगे। ये मामूली मिट्टी का गाड़ीवान नहीं, इसमें कर भजन नाथ योगी की आत्मा है और इसका नाम हमने गैनी नाथ रखा है। ये बालक भगवान शंकर का अवतार है। ये बालक बड़ा होकर योगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके गुरु का नाम निर्वर्तीनाथ होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। चलो हे महाराज, आप हमें छोड़कर न्यू मत जाओ। जब तक आप हमारे गांव में आए हो, सभी दुख संकट मिट गए हैं। आपके कारण हर घर में ये आनंद की वर्षा हो रही है। आप चले गए तो मारा क्या होगा महाराज? हे प्राण प्यारे भक्तों, साधु का और पानी का एक जैसा स्वभाव होता है। अगर ये रुक गए तो गदलापन आ जाएगा। साधु सन्यासी रमते ही रहते हैं, चलने में ही साधु का उद्धार है, नहीं तो सारी तपस्याएं नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। हे योगी बाबा, अगर आप नहीं रुक सकते तो हमारे उद्धार के लिए इस बालक को तो दे जाओ। नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तुम समझते हो कि ये मिट्टी का खिलौना है। ये इस दुनिया में भगवान शिव के आदेश से आया है। ये शिव का अवतारी है, इसका लालन पालन आसान नहीं। हे योगी बाबा, इस अभागी ने औलाद के लिए हर जतन किया लेकिन व्यर्थ रहा। मेरे को बच्चा चाहिए बाबा, और इस बच्चे को माँ। यो बच्चा मेरे को दे दो बाबा, मेरी तकदीर बन जाएगी। मैं इसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। बच्चे का पालन जो एक औरत कर सकती है वो एक मर्द नहीं कर सकता। आप खुद तो भूखे प्यासे फिरते हो, इस बच्चे का लालन पालन कैसे करोगे? हे योगी, अगर आपकी दया हो जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। बाबा मुझ पर दया करो। लगता है बेटी विधाता को यही मंजूर है। लो संभालो हमारे गहनीनाथ को। संभव हुआ तो 12 वर्ष के बाद फिर लौटेंगे और उपदेश देंगे। मेरे को शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि अपनानी होगी? मेरे बच्चे, बद्रीनाथ आश्रम के नजदीक तपोवन है। वहां पर तपस्या करने से भगवान शंकर के अलावा बद्री नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब जाके तुम्हारी सभी विद्या पूर्ण होगी। जैसी आज्ञा गुरुजी। अच्छा गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा। जा बच्चा जा।
ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमः 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 शिवाय, हे भगतराज, ओम नमः शिवाय, हे भगतराज, ओम नमः शिवाय, हे गोरक्षनाथ, मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो मांगो, क्या वर मांगते हो? हे भगवान शिव, मेरे अहो भाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए, हे प्रभु, मुझे ये ही वरदान दो कि मेरी सारी विद्याएं ज्ञान पूर्ण हो जाएं और मैं आपके चरणों का सदा दास बना रहूं। तथास्तु। हे मेरे सेवको, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ जो तुमने मेरी हर प्रकार से सेवा की, जिसके कारण मेरी भक्ति सफल हुई। चलो भक्तो, अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जय श्री आज्ञा गुरु जी। आज ददरेड़ा नगरी में नाथों के नाथ पधारे, गुरु गोरखनाथ हमारे, गुरु गोरखनाथ हमारे। आज ददरेड़ा नगरी में नाथों के नाथ पधारे, गुरु गोरखनाथ हमारे, गुरु गोरखनाथ हमारे। सिद्ध योगी तेजस्वी तपस्वी दीन दुखी के सहारे, गुरु गोरखनाथ हमारे, गुरु गोरखनाथ हमारे। गुरु गोरखनाथ हमारे, गुरु गोरखनाथ हमारे।
शिष्यों, अब हम यहां विश्राम करेंगे। जैसा आदेश गुरुजी। चले ओगड़नाथ। हाँ गुरुजी। तुम नगरी में जाओ और अलख जगाओ। जैसा आदेश गुरुजी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ले बाबा। क्या बात है माई, आप तो बड़ी दुखी दिखाई देती हो। कोई बात नहीं महाराज, लियो आप भिक्षा लियो। माई, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? नहीं महाराज नहीं, मेरे दुख का निवारण तो है ही नहीं, और तेरे जैसे फकीर तो दिन में बहुत से आते हैं। माई, मेरे को ऐसा वैसा फकीर मत समझो, मैं गुरुओं के गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ। हे महाराज, अगर आप गोरखनाथ के चेले हो तो मेरे दुख का निवारण जरूर कर दोगे। नहीं माई नहीं। सुनी ले हो जो
देखो माई, मेरे हाथ में कुछ नहीं, आपके दुख का निवारण तो मेरे गुरुजी के हाथ में है। हमने गांव से बाहर अपना डेरा डाल रखा है, कल सुबह आप हमारे गुरु के पास दर्शन करने आना। मेरे को पक्की उम्मीद है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी मनोकामना मेरे गुरुजी जरूर पूर्ण करेंगे। ठीक है जोगी बाबा, मैं कल सुबह गुरुजी के दर्शन करने जरूर आऊंगी। हे गुरुओं के गुरु गोरखनाथ जी, इस दुखियारी की पुकार सुनो, सुनो महाराज सुनो। हे महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो महाराज, उद्धार करो। गुरुजी, ये वो ही माई है जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मैंने ही इनको यहाँ का रास्ता बतलाया था। अच्छा। हे गुरुजी, हे गुरुजी, वर्षों से मेरी गोद सूनी है, अगर वारिस नहीं मिला तो ये वंश मिट जाएगा महाराज, मिट जाएगा। हे नाथों के नाथ, मेरे को एक पुत्र का वरदान दे दो, मैं बड़ी आशा लेकर आई हूँ। आप तो वीराने में भी फूल खिला सकते हो, आंधी में भी दीप जला सकते हो, मेरे ऊपर भी दया कर दो महाराज, दया कर दो। हे योगी महाराज, मेरे को भी एक पुत्र का वर दे दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के मर जाऊंगी, मर जाऊंगी महाराज, मर जाऊंगी। उठो देवी उठो, भगवान शंकर ने चाहा तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। यह लो, एक नहीं तेरी कोख से पुत्रों का जोड़ा जन्म लेगा। आप धन्य है महाराज, आप धन्य है। हेर तप भक्ति और योग के बल से मन पढ़ के दे दिए जो बेटी। अरे तू मांगे थी एक पुत्र, थोड़े होंगे दो बेटी। हाँ तू मांगे थी एक पुत्र, थोड़े होंगे दो बेटी। हो तप भक्ति और योग के बल से पढ़ के दे दिए जो बेटी। तू मांगे थी एक पुत्र, छोरे होंगे दो बेटी। हाँ तू मांगे तिर एक पुत्र, छोरे होंगे दो बेटी। क्या बात है प्रेमी भक्तों की, गोरखनाथ ने काथल को बाथल समझकर जो पढ़कर दे दिए और दो बेटे होने का वरदान दे दिया। कैसे बातों मावत लगते सातम छिपते काम दखल के हो, रंग रूप एक सारे गात में दोनों एक सकल के हो। नर चातर विद्वान गणे अरे और मजबूत अकल के हो, इस धरती पे तकते पैना सतरी इसी नसल के हो। हाँ हो अर्जुन सुरजन दो भाई हो, अर्जुन सुरजन दो भाई ने के सौर ना हो बेटी। दो मांगे थी एक पुत्र, छोरे होंगे दो बेटी। हाँ तू मांगे फिर एक पुत्र, छोरे होंगे दो बेटी। क्या बात है प्रेमी भक्तों की। हाँ हाँ काथल को बाथल समझकर समझाने लगे। कैसे
पतेरी होली से इब बारा बात रहे कोन्या कुण बात रे कहे मेरी हो जा आत्म पाट रहे कोना दुनिया की उठा करती बेटी तेरे सर पे डांट रहे कोना तू दो बेटा की माँ बन जागी किसे ते घाट रहे कोना छोरे होंगे दो बेटी हाँ तू मंगे थी एक पूत तेरे छोरे होंगे दो बेटी गुरु गोरखनाथ आज कथल को समझा रहे हैं कि बेटी जाओ घर पे चंदन कर घर में नीचा दीवा जला दी गई और कैसे धूप दीप चंदन करगी मैं टीका दीपक लगा दिए तारे शील संतोष दया ने चलते मट्टी जगा दीजे निश्चिंत रूप से दो घड़ी खातिर अरी मन की चिंता भगा दीजे कर्म ते जाति के दिल में तू काम की आशा जगा दिए छोरे होंगे दो बेटी और तू मांगे थी एक पूत तेरे छोरे होंगे दो बेटी रे कथल को क्या समझाते हैं परमेश्वर ने देव योग से हाँ परमेश्वर ने देव योग से मेरा वचन मंजूर करा कर्म कांड भी आसन पे विद्या में भरपूर करा मैं साथी के जब लाया गुरु ने जो भी मन कसूर करा मन सहज सहज समझाया करता कदे ना दिल से दूर करा हो श्रिया भगत चरणों के माँ श्रिया भगत चरणों के माँ और टेक चंद की लोबे थी तू मांगे थी एक पूत तेरे छोरे होंगे दो बेटी और तू मांगे थी एक पूत तेरे छोरे होंगे दो बेटी हो तप भक्ति और योग के बल से मन पढ़ के दे दिए दो बेटी तू मांगे थी एक पूत तेरे छोरे होंगे दो बेटी हाँ तू मांगे थी एक पूत तेरे छोरे होंगे दो बेटी आदेश देवी आदेश गुरुजी आपके पास बड़ा भरोसा लेके आई हूँ सारी दुनिया में घूम ली पर मेरे दर्द की दवाई नहीं मिली कोई कसर रहेगी देवी
कसर है महाराज, कसर है। औलाद के बिना औरत के जीवन में कसर ही कसर है। एक बांझ औरत ही बिन औलाद के दुख को समझ सकती है। पर देवी, हमने तो थोड़ी देर पहले तेरे को दो पुत्रों का वरदान दिया था, क्या हमारी बात पे तेरे को भरोसा नहीं जो दोबारा आई है? पुत्रों का वरदान दोबारा? महाराज, अगर मेरे को पुत्रों का वरदान मिल जाता तो मैं दोबारा क्यों आती? आपको जरूर कोई भूल हुई है, किसी और औरत को आपने वरदान दिया होगा। तुम झूठ बोलती हो, थोड़ी देर पहले ही तो हमने तेरे को जो दिए थे, और कहती है भूल गए होंगे। नहीं गुरुजी, नहीं, मैं तो सुबह से आई ही नहीं। कल ये आपका चेला आया था और इसने मेरे को सुबह आने को कहा था, सो मैं आ गई। अगर वरदान मिल जाता तो मैं दोबारा क्यों आती महाराज? क्या मैं इतनी देर में तेरी सूरत और तेरी आवाज को भूल गया? मेरी सूरत, मेरी आवाज, कदी काछल तो नहीं? कल जोगी बाबा जब घर पर बतावे थी तो वह उड़े थी, जरूर वाई उसका है। देख देख कमीने ने कोड़ जुलम करया था। गुरुजी, गुरुजी, जिसका आप जिक्र कर रहे सोना, वह जरूर मेरी बड़ी बहन काछल थी। कल आपके चले की बात मेरे साथ हुई थी महाराज, और उसने सुन ली और वह मेरे तक पहला तैयार होकर आप दौरे आ गई। धोखा, इतना बड़ा धोखा, चले। हे गुरुजी, हे गुरुजी, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। बहना, मेरी बहना,
हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, दिया हुआ वरदान वापस तो लिया नहीं जाता और अब दूसरा वरदान देना हमारे लिए संभव नहीं। हे नाथों के नाथ, इसमें मेरा क्या दोष है और किसी के छल कपट की सजा? मुझे क्यों महाराज, मुझे क्यों? मैं मर जाऊंगी पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। देवी, संभव होता तो मैं जरूर दे देता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद विवश हूँ। महाराज, आपका चेला मुझे वचन देकर आया है, क्या अपने चेले का वचन आपके लिए कोई मायने नहीं? अगर आपने ये वचन दिया होता तो क्या आप नहीं निभाते? मेरी श्रद्धा और आपके वचन दोनों की आन का सवाल है महाराज। लेकिन देवी, मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ भी करो महाराज, कुछ भी करो। हे गुरुदेव, मेरे को या तो वरदान दो या फिर मौत। हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मैं तो अच्छे धर्म संकट में फंसा, अब आप ही मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ। हे प्रिय शिष्य गोरख, उठो, व्याकुल मत हो। तुम्हारे धर्म संकट का उद्धार नागलोक में होगा, वहां जाओ, अब विलंब मत करो। Yeah.
के पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी। अरे गोरख जोगी रे बाबा गोरख जोगी, हाँ गोरख जोगी बाबा गोरख जोगी रे, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी। हाँ अरे गोरख गए पाताल लोक नागन घर अलक जगाई, हाँ जगाई। पर हित कारण नाथ गुरु ने जोड़ी जा फैलाई रे, पुत्र दे तेरी नागनिया कृपा होगी, पुत्र दे तेरी नागनिया कृपा होगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी। अरे गोरख जोगी रे बाबा गोरख जोगी, हाँ गोरख जोगी रे बाबा गोरख जोगी रे, पहुंचे नागों रेड़ा की रानी। फिर हमारी शरण में आकर बोली भर आख्या में पानी, हमारी सुखी से बागड़िया हरी कब होगी, मारी सुखी से बागड़िया हरी कब होगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी। हाँ अरे रचने की रचना थी और की देख कर मोकी मार, हाँ रचने की रचना थी और थी दो कर्मों की मार। ए रहम किसन दुखियारी का दिया गोरख भाग समार, जय जय बोले सारी दुनिया रस भोगी, जय जय बोले सारी दुनिया रस भोगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी। ए गोरख जोगी रे बाबा गोरख जोगी, हाँ गोरख जोगी रे बाबा गोरख जोगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी, पहुंचे नागों की नगरिया गोरख जोगी। बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल पद्मनाग अवतार की, बोल शंकर भगवान की, बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल पद्मनाग अवतार की, बोल शंकर भगवान की।